आखिर एप्पल कंपनी फिल्मों में विलेन को आईफोन यूज करने की अनुमति क्यों नहीं देती है, और वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? इतना ही नहीं, अगर डियो ने फेफड़ा, दिल, अस्थि मज्जा और गुद्दे, इन सभी चीजों को किसी एक इंसान के शरीर से बेचा जाए तो हमें कितने रुपए मिल सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर वन, अगर आप अपनी सांस रोक कर मरना चाहेंगे तो नहीं मर सकते हैं, क्योंकि सांस रोकने के कुछ देर बाद बॉडी को सांस न मिलने के कारण फेफड़ा ऑटोमेटिक सांस खींच लेता है। नंबर टू, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मोनालिसा की पेंटिंग है और ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। इस पेंटिंग को अगर आप खुश हैं और तब देखते हैं तो ये पेंटिंग आपको मुस्कुराती नजर आएगी, और जब आप दुखी हो और तब इस पेंटिंग को देखेंगे तो ये पेंटिंग आपको उदास नजर आएगी। इसके लिए तो एक लाइक बनता है। नंबर थ्री, अगर डियो ने फेफड़ा, अस्थि मज्जा, गुद्दे, इन सभी चीजों को किसी एक इंसान के शरीर से बेचा जाए तो हमें 319 यानी कि 319 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। नंबर फोर, वकील काले रंग के कोट ही क्यों पहनते हैं? साल 1994 क्वीन मेरी की चेचक की बीमारी के कारण मौत हो गई और राजा विलियम्स ने के सभी जजों और वकीलों को शोक मनाने के लिए काले कोट पहन कर इकट्ठा होने का आदेश दिया, और उसके बाद से ये प्रथा चलती ही रह गई और इसी कारण से वकील काले कोट ही पहनते हैं। नंबर फाइव, आखिर फिल्मों में विलेन को आईफोन यूज करने की अनुमति क्यों नहीं है? बता दे, एप्पल कंपनी का मानना है कि अगर फिल्मों में विलेन आईफोन का इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी के इमेज पे असर पड़ेगा, बस इसी कारण से फिल्मों में विलेन को आईफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।